Good morning all. Hi, this side Priyanka Saxena, your host and your dost. I'll be telling you how to understand the concept of GST, Goods and Services Tax. A very upcoming topic, very easy but bit lengthy. उसको समझने के लिए हम कुछ लॉजिक्स को कुछ कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे सो दैट ओवर द पीरियड हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर सके. ठीक है बेटा, जीएसटी ऑल टुगेदर बात करता है कि हम ये टैक्स गुड्स पे एज वेल एज सर्विसेज पे लगाएंगे. यानी ये टैक्स जो 1 जुलाई 2017 से इंडिया में एप्लीकेबल हुआ उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि अब से एक ही टैक्स लगेगा, चाहे गुड्स बना के आप बेच रहे हो या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो. तो बेसिकली फर्क ये है कि जीएसटी अगर दोनों पे लग रहा है तो इससे पहले क्या हुआ करता था. थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे जीएसटी से पहले क्या क्या कंसेप्ट थे. जीएसटी आने से पहले कुछ डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे जिसमें से कुछ अभी भी प्रिवेल कर रहे हैं. जैसे एक टैक्स हुआ करता है एक्साइज ड्यूटी. एक्साइज का एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग मैन्युफैक्चरिंग होता है और ये टैक्स गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग पे लगाया जाता है. सर्विस टैक्स जैसे नाम से ही क्लियर है, इसको सर्विसेज देने पर लगाया जाता है. सीएसटी, सीएसटी इज अ सेंट्रल सेल्स टैक्स चार्जेबल ऑन इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स. इंटर स्टेट सेल का मतलब है जहां पे सेल वन स्टेट से डिफरेंट स्टेट में हो रही हो. इसी के पैरेलल एक और टैक्स हुआ करता था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, जहां पे टैक्स इंट्रा स्टेट सेल पे लगाया जाता था. इंट्रा स्टेट का मतलब है जहां पे सेल विद इन सेम स्टेट हो रही हो. सेलर भी दिल्ली का है, बायर भी दिल्ली का, और दोनों एक ही स्टेट में सेल परचेज कर रहे हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट टैक्सेस थे लाइक ऑक्ट्रॉय, एंटरटेनमेंट टैक्स एंड सो ऑन, बट वो आपका कभी भी एकेडमिकली कोर्स का पार्ट नहीं रहे तो उसको फिलहाल हम अभी के लिए इग्नोर करते हैं. नेक्स्ट एक टैक्स हुआ करता है कस्टम ड्यूटी. कस्टम ड्यूटी इज अ टैक्स ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. जब भी बाहर से कोई गुड्स इंडिया में आए या इंडिया से कोई गुड्स बाहर जाए तो उन पर ये टैक्स लगाया जाता है. अब ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का टैक्स जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे चार्ज होता है. इंटरनेशनल लेवल मतलब एक बॉडी है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ग्लोबली सारी कंट्रीज के बीच में हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए एस्टैब्लिश किया गया है. यूएनओ का एक ऑर्गन है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया भर की सारी कंट्रीज में ट्रेडिंग के दौरान हार्मोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन, शांति बनाए रखने के लिए एस्टैब्लिश किया गया है. और डब्ल्यूटीओ कहता है कि हर कंट्री अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी कंट्री में आए हुए इम्पोर्टेड गुड्स या अपनी कंट्री से भेजे हुए एक्सपोर्टेड गुड्स पे ये टैक्स चार्ज कर सकती है इन द नेम ऑफ कस्टम ड्यूटी. यानी ये एक इंटरनेशनल टैक्स है जो दुनिया भर में हर कंट्री में अप्लाई होता है जनरली. और क्योंकि ये इंटरनेशनल टैक्स है तो जीएसटी आने के बावजूद भी इस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, इस पर कोई मेजर चेंज नहीं आया. और क्योंकि इसमें कोई मेजर चेंज नहीं आया देयरफोर ये लॉ आज भी एज इट इज एग्जिस्ट करता है. यानी इसको जीएसटी में मर्ज नहीं किया गया. हाउएवर इसके अलावा जो मेन वेरियस टैक्सेस थे, ड्यूटीज थी, उनको ले जाके सरकार ने एक नए लॉ में कन्वर्ट कर दिया इन द नेम ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. उन्होंने कहा कि सर पहले गुड्स पर अलग अलग टैक्सेस लगते थे, गुड्स के बनने पर एक्साइज, बिकने पर सीएसटी वैट, सर्विसेज पे अलग अलग टैक्स लगते थे,
लेकिन अब सारे टैक्सेस को एबॉलिश करके या मॉडिफाई करके हम एक नया लॉ बना देते हैं जीएसटी, जिसमें टैक्सेस गुड्स पर भी लगेंगे और सर्विसेज पर भी लग जाएंगे। यानी चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, दोनों पर ये टैक्स लगेंगे। तो क्या मैम जीएसटी आने की वजह से पुराने सारे लॉस खत्म हो गए? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ जीएसटी लाने की वजह से बदलाव लाए गए। हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिस्ट हुआ करती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कुछ आइटम्स होते हैं जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट में कुछ आइटम्स होते हैं जिन पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, एंड सो ऑन। बट जीएसटी सेंट्रल और स्टेट दोनों चार्ज करेंगे इक्वली, ऐसा कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई और कुछ न्यू आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस किए गए जिसके तहत सेंट्रल और स्टेट दोनों को पावर दी गई एक ही टैक्स चार्ज करने की इन द नेम ऑफ जीएसटी। बट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनके चलते कुछ आइटम्स को जीएसटी में कवर नहीं किया गया। यानी जीएसटी आने के बावजूद भी तीन आर्टिकल्स हैं, वन इज अल्कोहल, सेकंड 5 टाइप्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल के 5 वेरिएशंस हैं उनको, एंड थर्ड टोबैको को आज भी प्रीवियस लॉ में चार्ज किया जा रहा है। यानी इनकी मैन्युफैक्चरिंग पे आज भी एक्साइज ड्यूटी लगेगी, इनकी इंटरस्टेट सेल पे और इंट्रास्टेट सेल पे आज भी सीएसटी वैट लगेगा, एंड सो ऑन। और इन तीन में से 2 आइटम्स अल्कोहल एंड 5 टाइप्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को कह दिया कि आप जीएसटी में किसी हालत में नहीं आएंगे, यानी इन पर जीएसटी किसी भी सूरत पे नहीं लगेगी, देयरफॉर ये जीएसटी के लिए नॉन टैक्सेबल हो जाएंगे। हाउएवर टोबैको एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें ये सारे टैक्सेस प्रीवियस लॉस के तो लगेंगे ही लगेंगे, साथ साथ जीएसटी को भी चार्जेबल कर दिया जाएगा। यानी जीएसटी सारे गुड्स पर लगेगा, ऑल गुड्स, सब गुड्स पर चार्ज होगा एक्सेप्ट अल्कोहल एंड 5 टाइप्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। 5 तरह के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इसमें कवर नहीं होंगे, बट टोबैको इसमें आ जाएगा, इंक्लूडिंग टोबैको। यानी तंबाकू, जहां से सरकार को मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। सर, तंबाकू एक ऐसी चीज है कि सरकार चाहे भी तो बैन नहीं कर सकती, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग उसकी वजह से मर रहे हैं, बट फिर भी गवर्नमेंट उसे बैन नहीं कर पा रही, बिकॉज सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन, सबसे ज्यादा कमाई सरकार की इस प्रोडक्ट से हो रही है। तो सरकार बैन तो नहीं कर रही, ऑल्दो स्टैट्यूटरी वार्निंग के नाम से चेतावनी दे देती है कि मत खाओ कैंसर हो जाएगा, बट सरकार कहती है कि जब हम लोगों को मार ही रहे हैं रेवेन्यू को रिकवर करने के लिए, तो क्यों ना अच्छे से ही रेवेन्यू रिकवर कर लें। यानी इसको हम इतना महंगा कर देते हैं, इतने टैक्सेस लगा देते हैं कि लोग ऑटोमेटिकली इसको खरीदना बंद कर दें, या कम से कम इसकी सेल कम हो जाए। तो सरकार ने कहा कि जब हम मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर ही रहे हैं, तो इस पे हम जीएसटी भी चार्ज करेंगे और इस पर हम सारे प्रीवियस टैक्सेस भी चार्ज करेंगे। यानी इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे भी एक्साइज ड्यूटी लगेगी, इसके बिकने पे सीएसटी और वैट लग जाएगा। यानी टोबैको इज द प्रोडक्ट अपॉन विच ऑल प्रीवियस टैक्सेस शैल बी चार्जेबल अलोंग विद जीएसटी। अब क्या हम इसे डबल टैक्सेशन कह सकेंगे?
क्या हम ये कह सकते हैं कि टोबैको पे डबल टैक्सेस लग रहे हैं, इतने सारे टैक्सेस लग रहे हैं? लॉ मेकर ने कहा नहीं, सरकारी जबान में, लॉ की लैंग्वेज में डबल टैक्सेशन सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब एक ही एक्ट के अंदर दो या दो से ज्यादा बार टैक्स लग रहा है। ध्यान रखिएगा, डबल टैक्सेशन कब होगा, ये सारे कंसेप्ट हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे। बस अभी सिर्फ एक ओवरव्यू ले लीजिए कि सरकारी निगाह में डबल टैक्सेशन तब होगा जब एक ही एक्ट के तहत दो या दो से ज्यादा बार टैक्स लग रहा है। यानी अगर अलग अलग एक्ट के अंदर टैक्सेस लग रहे हैं एक ही आइटम पे, तो उसको हम डबल टैक्सेशन नहीं मानेंगे। यानी टोबैको के बनने पर एक्साइज ड्यूटी, बिकने पर सीएसटी और वैट, और उसके ऊपर जीएसटी, ये सारे टैक्सेस अलग अलग एक्ट में अलग अलग लॉ के अंदर बने हैं, देयरफॉर इसको हम डबल टैक्सेशन नहीं मानेंगे। और इससे अल्टीमेटली नुकसानदायक प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा मार्केट में, और सरकार कहती है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम होगी, बट हमारा रेवेन्यू सबसे ज्यादा यहाँ से क्रिएट हो रहा है, तो हम अपना मैक्सिमम लेवल पे इसको रेवेन्यू रिकवर करते रहेंगे। ठीक है, अच्छा, पुराने टैक्सेस सिर्फ और सिर्फ इन तीन आइटम्स पे लग रहे हैं, और ये तीनों आइटम्स टेंजिबल नेचर के हैं, फिजिकली टच हो सकते हैं, सीन हो सकते हैं, और कोई भी ऐसी चीज जो टेंजिबल नेचर की है उसको हम गुड्स की परिभाषा में कवर करते हैं, और कोई भी ऐसी चीज जो इनटेंजिबल है जिसको हम फिजिकली टच या सीन नहीं कर सकते, जैसे लेक्चर, कॉपीराइट, गुडविल, सॉफ्टवेयर एटसेट्रा, तो लॉ मेकर ने कहा इन सबको हम सर्विसेज मानेंगे। और सर्विसेज के लिए पहले टाइम पे लॉ हुआ करता था, ऑल दो इसके लिए कोई अलग एक्ट नहीं था, फाइनेंस एक्ट के अंदर ये चार्ज होता था, बट सारी सर्विसेज को इन्होंने यहां पे कवर कर दिया, ऑल सर्विसेज। यानी सर्विसेज के केस में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, और क्योंकि सर्विसेज के केस में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, सारी की सारी सर्विसेज जीएसटी में आ गई है, देयरफॉर जीएसटी आने की वजह से अब सर्विस टैक्स एबॉलिश हो चुका है। यानी एज इट इज सर्विस टैक्स इंडिया में अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा पोस्ट जीएसटी, जीएसटी आने के बाद। क्लियर है? ठीक है बेटा, अब सवाल ये उठता है कि इन सबको मिला के एक टैक्स क्यों बनाया, एक लॉ क्यों बनाया, पहले क्या दिक्कतें थी? तो पहले दिक्कतें कुछ इस तरह से थी कि पुराने टाइम में जब हर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी पे अलग अलग टैक्सेस लगते थे, तो वो सारे टैक्सेस, सोच के देखिएगा, सेपरेट लॉ में चार्ज हो रहे थे, और सेपरेट लॉ में चार्ज हो रहे थे तो उनको डबल टैक्सेशन नहीं माना गया, और डबल टैक्सेशन नहीं माना गया था तो वहां पे चार चार नाम के टैक्स लग के प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा था। सोचने वाली बात है, दिमाग में बैठाइएगा, ये जो जीएसटी है ना, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इन सारे टैक्सेस का बर्डन बायर पे जाएगा। यानी सरकार कहती है कि भैया मुझे तो सेल पे टैक्स लगाना है। अब सरकार ने देखा कि एक सेलर साल भर में, मान लीजिए 1,00,000 बायर को माल बेचता है, लेट्स से बिग बाजार, अब 1,00,000 बायर को एक सेलर माल बेच रहा है, तो सरकार को किसको पकड़ना आसान है, एक सेलर को या लाखों बायर्स को? सर, लाखों बायर्स जो फैले हुए हैं थ्रू आउट, उनको ट्रेस करना तो मुश्किल है। तो सरकार क्या करती है, ओरिजिन पे, जहां पे सेल की शुरुआत हो रही है वहीं पे सेलर को बोल देती है, भाई साहब आप तो हमें सेल का टैक्स दे दो। और सेलर को कहती है कि जब बायर आपके पास सामान खरीदने आए और आपके सामान की पेमेंट करे, तो पेमेंट में उससे टैक्स भी रिकवर कर लेना। यानी वो टैक्स जो गवर्नमेंट को पे कर रहा है एक पर्सन, लेकिन उसका अल्टीमेटली बर्डन शिफ्ट हो रहा है किसी दूसरे पर्सन पे, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। यानी बायर की जेब से सरकार के पास पैसा गया, बट वो इनडायरेक्टली गया थ्रू सेलर। ठीक है,
अब लॉ मेकर कहता है कि सर यहाँ पे ना जब इन गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग हुई तो एक्साइज ड्यूटी लगी, इंटरस्टेट सेल हुई तो सीएसटी लगी, इंट्रा स्टेट सेल हुई तो वैट लगा, और ये सारे टैक्सेस पीछे के लोग देते गए आगे वाले बायर से रिकवर करते गए, जिसकी वजह से अल्टीमेटली प्राइस बहुत बढ़ गया। बट अब पोस्ट जीएसटी हम सारे टैक्सेस की जगह सिर्फ एक ही टैक्स लगा दें और ये टैक्स सिर्फ और सिर्फ एक एक्ट के अंदर चार्ज होता है, तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस में दिए गए टैक्सेस को डबल टैक्सेशन मान लेंगे, और उस डबल टैक्सेशन को खत्म करने के लिए हम आपसे राजा हम आपको कुछ बेनिफिट्स देंगे इन द नेम ऑफ आईटीसी। जरा इन बातों को एक बार समझते हैं, उसके बाद आपको जीएसटी का एक्चुअल लॉजिक क्लियर हो जाएगा। देखिए हुआ क्या, जीएसटी आने से पहले जब कोई बंदा मैन्युफैक्चरिंग करता था तो उसको देना पड़ता था, लेट्स से एक पर्सन है ए, वो मैन्युफैक्चरिंग करके बी को बेच रहा है, सेलिंग प्राइस है लेट्स से 100 रुपए, और इस पर एक्साइज ड्यूटी लग रही है लेट्स से 20 रुपए, और ए बी को बेचेगा 120 पे, यानी अल्टीमेटली होगा कुछ इस तरह से कि ए ने 100 का प्रोडक्ट बेचा तो ए गवर्नमेंट को पे करके आएगा उस पे 20 रुपए, लेट से 20% का टैक्स बनता था, एक्साइज ड्यूटी बनती थी 20 रुपए की, और ये इनडायरेक्ट टैक्स था, तो ए को खुद का प्रोडक्ट का प्राइस तो 100 रुपए है और 20 रुपए उसने सरकार को टैक्स लिया जो पे किया, वो टैक्स भी किससे रिकवर करेगा, बी से। ए ने जो सरकार को टैक्स दिया 20 रुपए का, वो बी से रिकवर करेगा, यानी टोटल अमाउंट ए बी से कितना रिकवर करेगा, 120 रुपए। अब बी ने ये सामान बेचा टू सी अंडर इंटर स्टेट सेल, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बिक रहा था, लेट्स से बी था पंजाब का और सी था केरला का, प्रोडक्ट का प्राइस सेलिंग प्राइस रहा, ऑब्वियसली अब बी सी को बेच रहा है तो अपना प्राइस थोड़ा सा बढ़ा लेगा, उसको 120 का तो प्रोडक्ट ही पड़ा था प्लस उसने प्रॉफिट जोड़ा, लेट्स से 150 में बेचा, अब 150 पे सीएसटी लगनी थी, सीएसटी लगनी थी क्योंकि इंटरस्टेट सेल हुई, मान लेते हैं 2% पे सीएसटी लगनी थी, ठीक है, अब 150 पे 2% कितना हो गया, 3 रुपए, ठीक है 3 रुपए लगे, 153 रुपीज सी से रिकवर किया जाएगा। अब सी ने ये प्रोडक्ट आगे डी को बेचा जहां पे डी भी केरला में था, यानी इंट्रा स्टेट सेल हुई, सेल एक स्टेट के अंदर ही अंदर हुई, और इस बार प्रोडक्ट बिका 200 में, इंट्रा स्टेट सेल पे वैट लगता था, लेट से वैट लगा 12% पे और 12% 200 रुपए का हो गया 24 रुपए, ठीक है, यानी अल्टीमेटली डी जो मान लेते हैं एंड यूजर है कंज्यूमर है उस पर 224 की प्रोडक्ट की प्राइसिंग गई, जिसमें उसको कितने टैक्सेस देने पड़े, एक्साइज ड्यूटी देना पड़ा 20 रुपए, इसमें ऑलरेडी जुड़ा था, सीएसटी देना पड़ा 3 रुपए और वैट देना पड़ा 224 रुपए का, यानी टोटल ये बना 47 रुपीज, ठीक है। अब मान लीजिए जीएसटी आ गया,
जीएसटी आने के बाद अब हर एक्टिविटी पे जीएसटी लगेगा, यानी ए माल बना के बेचे, बी इंटर स्टेट में बेचे, या डी इंट्रा स्टेट के अंदर सेल करे। मैन्युफैक्चरिंग करके सेल किया, सेलिंग प्राइस 100 रुपए। लेट्स से आपको समझाने के लिए कह रही हूं, जीएसटी का रेट है अभी मान लीजिए 10%, तो इस पे क्या हुआ 10 रुपए, और ए बी से कितना रिकवर करेगा 110, जिसमें से ए गवर्नमेंट को कितना पे करके आएगा 10 रुपए, और वो 10 रुपए बी से रिकवर कर लेगा। बी आगे ये सामान लेट से इंटर स्टेट सेल में बेचता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचता है, और लेट से अपना प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस रखता है 150 रुपए। अब 150 रुपए पे लेट से जीएसटी फिर से 10% का बन रहा है, तो ये हो गया 15 रुपए। अब क्या बी सरकार को पूरा 15 रुपए दे, जैसे प्रीवियस केस में देती थी? प्रीवियस केस में बी ने सीएसटी दिया होगा 3 रुपए और सी ने वैट दिया होगा 24 रुपए, यानी सरकार के पास अलग अलग स्टेजेस पे 47 रुपीज गए, जिसका बर्डन एंड यूजर पे रहा। बट यहां पे ए ने जीएसटी एक्ट के तहत दिया 10 रुपए और बी भी जीएसटी दे रहा है 15 रुपए पे, और यहां पे जीएसटी और जीएसटी चार्ज हो रहे हैं अंडर सेम एक्ट, दोनों के लिए लॉ सेम है, तो क्या हम इसको डबल टैक्सेशन कह सकते हैं? लॉ मेकर ने कहा बिल्कुल कहेंगे। अगर टैक्सेस अलग अलग एक्ट में चार्ज हो रहे थे, अगर टैक्सेस अलग अलग एक्ट में चार्ज हो रहे थे अंडर सेपरेट एक्ट, तो उसको हम कभी भी डबल टैक्सेशन नहीं मानेंगे। दिमाग में ये बात बैठा दीजिएगा, इसको हम कभी भी डबल टैक्सेशन नहीं मानेंगे, ये लॉ ने कहा है। ऑल्दो आपके नजरिए से बहुत सारे टैक्सेस लग रहे हैं, बट लॉ की डेफिनेशन में ये डबल टैक्स नहीं है। डबल टैक्स तो कब होगा, जब एक ही एक्ट में एक ही प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग स्टेजेस पे टैक्स चार्ज हो रहा है। यहां पे डबल टैक्सेशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो लॉ मेकर ने कहा इस डबल टैक्सेशन को अवॉइड करेंगे हम, इसका बर्डन हम आप पे नहीं जाने देंगे, और इस बर्डन को खत्म करने के लिए पीछे दिए गए टैक्स को हम आगे दिए जाने वाले टैक्स से माइनस कर देंगे। यानी समझना, ए ने जब प्रोडक्ट बना के बेचा था तो 10 रुपए का टैक्स दिया था, और ये 10 रुपए का टैक्स है इनडायरेक्ट, ए ने आगे बी से रिकवर कर लिया। अब बी की जेब से टैक्स के नाम से कितना गया, 10 रुपए जो गवर्नमेंट पे पहुंच चुका है, 10 रुपए पहुंच चुका है, तो सरकार ने कहा जितना पहुंच चुका है उसको करंट टैक्स में से माइनस कर दो, और उस डिडक्शन को नाम दिया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट, शॉर्ट में हम इसे बुलाएंगे ITC। उन्होंने कहा कि ए ने जो 10 रुपए पे किए थे उसको बी से रिकवर किया था, यानी बी की पॉकेट से वो 10 रुपए गए हैं। अब बी जितने पे माल बेच रहा है उस पे 15 रुपए का टैक्स बनता है, तो 15 में से 10 रुपए तो बी की पॉकेट से जा चुके ना, तो वो माइनस कर दीजिए, और जो बैलेंस बचा बी को खाली सिर्फ और सिर्फ वो ही पे करना पड़ेगा, यानी बी अब पे करेगा खाली 5 रुपए इंस्टेड ऑफ 15 रुपए। फर्दर आगे चल के बी ने सी को बेचा और सी ने डी को इंट्रा स्टेट सेल में माल बेच दिया। लेट्स से इस बार सेलिंग प्राइस था 200 रुपए, और मान लेते हैं जीएसटी का रेट अभी भी सेम है 10%, तो 200 पे 10% हो गया 20 रुपए। अब क्या सी गवर्नमेंट को 20 रुपए दे के आए? लॉ मेकर ने कहा नहीं, इस प्रोडक्ट पे ऑलरेडी 2 स्टेजेस पे टैक्स चार्ज हो चुका है। पीछे ए ने 10 रुपए दिए थे, बी ने 15 देने थे, जिसमें से 10 के उसकी जेब से कट चुका था, तो उसने और 5 दे दिए, और ये पूरे 15 रुपए अलॉन्ग विद 150 रुपए बी ने सी से रिकवर कर लिए होंगे। सर हम ये प्रोडक्ट जिसको आगे बेचते जाएंगे उस पे इसके टैक्स का बर्डन शिफ्ट होता जाएगा,
तो अब सी कितना दे? लॉ मेकर ने कहा सी पे ऑलरेडी इस आइटम के 15 रुपए का बर्डन आ चुका है, यानी इस आइटम पे ऑलरेडी 15 रुपए पे हो चुके हैं, तो हम 15 रुपए की डिडक्शन आपको दे देंगे इन द नेम ऑफ आईटीसी, यानी आपको एक्स्ट्रा और 5 रुपए देने पड़ेंगे। एंड फाइनली एंड यूजर जो कंज्यूमर है डी, उस कंज्यूमर को 200 रुपए प्लस 20 रुपए पे हम माल बेच देंगे, यानी उस पे टैक्स का टोटल बर्डन कितना आएगा? मात्र 20 रुपए, जिसमें से 5 रुपए सी ने दिए थे, 5 रुपए बी ने दिए थे और 10 रुपए ए ने दिए थे। ऑल टुगेदर अल्टीमेटली इन सारे टैक्सेस को डी से रिकवर कर दिया। तो सोचिए पुराने टैक्सेस में वहां जहां एक प्रोडक्ट पे 47 रुपीज लग रहे थे, वहां पे अब सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए का टैक्स चार्ज हो रहा है, बिकॉज चाहे गुड्स का बनना हो, चाहे बिकना हो, चाहे सर्विसेज का देना हो, ये सारा का सारा टैक्स कंप्लायंस एक ही एक्ट में हो रहा है। और जब एक एक्ट में हो रहा है तो उसको हम डबल टैक्सेशन बोलेंगे, और डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए हम इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का बेनिफिट दे देंगे। सो दिस इज द मैक्सिमम बेनिफिट और द बेस्ट मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द टैक्स जो पहले जीएसटी आने से पहले नहीं हुआ करता था। ये बात समझ में आई बेटा? दिमाग में बैठाइएगा, जीएसटी आने से पहले सारे हर एक्टिविटी पे, चाहे बिकना हो, बनना हो, सर्विसेज का देना हो, अलग अलग टैक्सेस लग रहे थे, अलग अलग एक्ट बने थे, अलग अलग एक्ट बने थे, तो कोई डबल टैक्सेशन नहीं था, जिसके चलते हर एक्टिविटी पे सेपरेटली टैक्स देना पड़ रहा था, और वो सारे टैक्सेस का बर्डन हम कंज्यूमर पे, एंड यूजर पे, लास्ट कस्टमर पे शिफ्ट कर रहे थे, जो जनरली बहुत ज्यादा हो जाता था। बट जीएसटी के तहत अब हर एक्टिविटी पे हम एक ही टैक्स लगाएंगे इन द नेम ऑफ जीएसटी, और क्योंकि सारे जीएसटी एक ही एक्ट के अंदर चार्ज हो रहे हैं तो उसको हम डबल टैक्सेशन कहेंगे। और डबल टैक्सेशन को खत्म करने के लिए लॉ मेकर कहता है कि इमीडिएट प्रीवियस स्टेज तक आपने जितना भी टैक्स दिया हो उसको करंट स्टेज में माइनस कर देना, क्योंकि प्रोडक्ट सेम ही है। इस आइटम पे ऑलरेडी सरकार के पास कहीं ना कहीं टैक्स पहुंच चुका है, जिसका बर्डन आगे आने वाले कंज्यूमर पे शिफ्ट हो रहा है। और क्योंकि यहाँ पे टैक्स बर्डन शिफ्ट होते वक्त हम पीछे दिए गए टैक्स की डिडक्शन ले रहे हैं, तो एंड यूजर पे जो एक्चुअल बर्डन शिफ्ट हो रहा है वो जनरली कम ही होता है, ना कि ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्री जीएसटी सिनेरियो। इज दैट क्लियर? इस बात को एक बार समझिएगा, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है बेटा ये बात बिल्कुल एकदम? चलिए आगे देखिएगा। ये जीएसटी लाने के लिए सरकार के पास भी बहुत सारे चैलेंजेस थे। गवर्नमेंट भी जीएसटी लाने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन के तहत थोड़ी सी बंधी हुई थी, उसके ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस थी, जिन रिस्ट्रिक्शंस को उन्होंने दूर किया बाय मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। वो अमेंडमेंट्स क्या है उनको हम डिटेल में देखेंगे, बस अभी के लिए इतना जान लीजिए कि जीएसटी आने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या तो टैक्स सेंट्रल चार्ज करती थी या टैक्स स्टेट चार्ज करती थी, बट जीएसटी आने के बाद सेंट्रल और स्टेट दोनों को ये टैक्सेस चार्ज करने थे, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें साथ साथ इकट्ठे पावर नहीं दी गई थी, ड्यू टू विच एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया आर्टिकल 246A, जिसके तहत सेंट्रल और स्टेट दोनों को पावर दे दी गई कि आप पैरेलली जीएसटी पे सेम एक्ट ड्राफ्ट कर सकते हो और अपने अपने लेवल पे इस टैक्स को चार्ज करके रिकवरी कर सकते हो। ये क्या था इन सबको हम डिटेल में देखेंगे, बट अभी देखिएगा ऐसा किया क्यों गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा
कि देखिए इंडिया में टैक्सेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं, तो क्यों ना हम सारे टैक्सेस को मर्ज करके एक लॉ बना दें, वन नेशन वन टैक्स। अब सेंट्रल जो थी वो ऑलरेडी टैक्सेस चार्ज कर रही थी इन द नेम ऑफ एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एंड सो ऑन, और स्टेट गवर्नमेंट सीएसटी और वैट की रिकवरी कर रही थी, यानी सेल्स टैक्स जो थे वो स्टेट के हाथ में थे और बाकी मेजर टैक्सेस सेंट्रल के हाथ में थे। सेंट्रल ने स्टेट को कहा कि मुझे जितने भी टैक्सेस मिल रहे हैं वो मैं एक फंड में ट्रांसफर कर देता हूं, और आपको जितने टैक्सेस मिल रहे हैं आप भी इसमें इकट्ठा ट्रांसफर कर दीजिए। यानी किसी भी नाम से अब हमें टैक्स मिल रहे हैं वो सारे टैक्सेस एक फॉर्म में एक फंड के अंदर एक पोर्टल के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे और उसे हम नाम देंगे जीएसटी। ठीक है, स्टेट ने कहा सेंट्रल को कि सर मैं आपको अपना हिस्सा क्यों? तो सेंट्रल ने कहा सर मैं भी तो अपना सारा हिस्सा इसके अंदर मिला रहा हूं। अब स्टेट कहता है कि सर आप अपना मिला रहे हो तो आप तो सुपीरियर लेवल पे बैठे हो, बड़े लेवल पे बैठे हो, मैं जूनियर लेवल पे हूं, कल को आपने अगर मुझे मैनिपुलेट कर दिया, एक्सप्लॉइट किया तो सेंट्रल कहता है आप निश्चिंत रहिए ना, किसी भी नाम से टैक्सेस होंगे हम सारे इसके अंदर डालेंगे, और आपके जो भी टैक्सेस होंगे आप सारे इसके अंदर डालना, और इसमें जो जीएसटी क्रिएट होगी वो हम आपस में बांट लेंगे। स्टेट ने कहा कितना दोगे आप हमें? तो बहुत टाइम पहले जब जीएसटी लॉन्च हुआ था तब सेंट्रल ने स्टेट को कहा था सर हम आपको 20% दे देंगे, 25% दे देंगे, 30 दे देंगे, जिसके लिए स्टेट सहमत नहीं हो पा रहा था। फिर जब मोदी सरकार आई तो नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ कह दिया अरुण जेटली जी को, अपने फाइनेंस मिनिस्टर को, कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को कन्विंस करना ही पड़ेगा और जीएसटी को लाना ही पड़ेगा। अब कन्विंस करने के लिए फाइनली सेंट्रल ने स्टेट को प्रपोजल दिया कि देखिए सर आप भी टैक्सेस अपने छोड़ रहे हैं, हम भी टैक्सेस छोड़ रहे हैं, तो अब जितना भी जीएसटी आएगा उसको हम आधा आधा बांट लेंगे। किसी भी नाम से टैक्स आएगा, जीएसटी आएगा, चाहे गुड्स पे हो चाहे सर्विसेज पे हो, दोनों को हम आधा आधा बांट लेंगे, 50% सेंट्रल के पास चला जाएगा और 50% स्टेट के पास। जब आधे आधे की बात हुई तो स्टेट को ये बात थोड़ी कन्विंसिंग लगी और स्टेट ने कहा ठीक है सर हम 50-50% ले लेंगे, लेकिन आज अगर हमने रजामंदी दे दी जीएसटी लाने की और कल को जीएसटी लगने के बाद हमें महसूस हुआ कि जीएसटी आने से पहले हमें टैक्स ज्यादा रिकवर होता था, अब नहीं हो पा रहा, क्योंकि अभी तो अंदाजा है ना, अभी तो हम सेल्स पे अच्छा खासा टैक्स रिकवर कर रहे हैं, आप हमें बोल रहे हो कि आप हमें सर्विसेज का भी टैक्स दोगे जो हमें पहले कभी नहीं मिलता था, आप हमें बोल रहे हो मैन्युफैक्चरिंग का भी टैक्स दोगे जो हमें पहले कभी नहीं मिलता था, लेकिन हमें ये नहीं पता वो टैक्सेस कितने होते थे, क्या पता हमारे टैक्स का प्रपोर्शन ज्यादा हो आपके टैक्सेस का प्रपोर्शन कम हो, तो हो सकता है हम एक लॉस मेकिंग सिचुएशन में भी आ जाए, उसके लिए आप हमें क्या एश्योरेंस दोगे, क्योंकि एक बार हमने हामी भर दी तो आपसे दोबारा इस टैक्स को, इस लॉ को वापस करवाना नामुमकिन है, तो आप हमें पहले एश्योरेंस दीजिए कि जीएसटी आने के बावजूद भी हमें पुराने रेवेन्यू का लॉस नहीं होगा। फिर इस प्रॉब्लम को लेके जेटली साहब मोदी जी के पास पहुंचे और मोदी जी ने कहा चाहे कुछ भी करना पड़े स्टेट को मनाइए और जीएसटी लाइए। जेटली साहब ने बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन हिसाब किताब करके एक नया प्रपोजल दिया और कहा स्टेट गवर्नमेंट को कि कभी भी आपको लगे कि जीएसटी आने से पहले
आपका रेवेन्यू ज्यादा था, आपका रेवेन्यू ज्यादा था, मान लीजिए आपको मिलता था 26,000 करोड़ का रेवेन्यू, लेकिन जीएसटी आने के बाद आपका ये रेवेन्यू कम हो गया, आपको खाली 21,000 करोड़ की ही कमाई हो रही है, तो जितना भी डेफिसिट होगा, जितना रेवेन्यू कम होगा ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ जीएसटी, उस डेफिसिट को हम यानी सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा करके देंगे, हम आपको पे करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट विल पे डेफिसिट टू स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल ने वादा किया जितना भी पैसे की कमी पेशी होगी वो हम देंगे। तो स्टेट ने कहा क्या सर आप अपने शेयर में से दोगे, जो जीएसटी का 50% आपका हिस्सा है आप उसमें से हमें ये दोगे डेफिसिट की रिकवरी? तो सेंट्रल ने कहा खबरदार मेरे हिस्से की तरफ आंख भी उठा के मत देखना, मैं जो 50% जीएसटी ले रहा हूं उससे मुझे पूरे नेशन को देखना है, आप तो खाली अपना स्टेट ही देख रहे हो, तो इसको तो आप भूल जाओ, इसमें से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो स्टेट ने कहा सर फिर कहां से आप भरपाई करेंगे इतने रेवेन्यू की? तो सरकार ने कहा कि हम इसके लिए एक और टैक्स चार्ज करेंगे जिसको नाम दिया गया कंपनसेशन सेस, इसको नाम दिया गया कंपनसेशन सेस, और सेंट्रल ने कहा कि इस टैक्स को रिकवर करके उसमें से मैं आपको आपके डेफिसिट की भरपाई करूंगा। अब स्टेट ने सेंट्रल को कहा सर आप सारे टैक्सेस को खत्म करके एक टैक्स ला रहे हो और उस पर फिर एक और टैक्स लगा रहे हो, ये तो अगेन गड़बड़ बात है, लोग अपोज करेंगे इसको। तो जेटली साहब ने कहा टेंशन मत लीजिए, ये जो कंपनसेशन चार्ज होगा ना सेस, ये कंपनसेशन सेस चार्ज होगा ऑन लग्जूरियस गुड्स, जो महंगे गुड्स होते हैं लाइक डायमंड्स, हीरे, सर हीरे वो ही खरीदता है जिसकी परचेजिंग कैपेसिटी ज्यादा है, ये कोई बेसिक नेसेसिटी का प्रोडक्ट तो नहीं है, या बड़ी बड़ी एसयूवीज गाड़ियां, सर ये वही खरीदते हैं जिनकी परचेजिंग कैपेसिटी ज्यादा है। तो ये जो सेस है ना हम आम जरूरत की चीजों पे नहीं लगाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ उन पे लगेगा जिन पे कस्टमर के पास परचेजिंग पावर ज्यादा है, जहां कस्टमर के पास सरप्लस मनी है अपने शौक को अपने हॉबीज को पूरा करने के लिए, उन पे हम ये टैक्स लगा देंगे, उनके अलावा ये किसी पे नहीं लगेगा, ना ये किसी सर्विस पे लगेगा ना ये किसी गुड्स पे लगेगा लग्जूरियस के अलावा। यानी सिंपल सी बात कि भाई साहब अगर कोई एक नैनो गाड़ी खरीद रहा है तो मानने वाली बात है कि उसकी परचेजिंग कैपेसिटी कम होगी, अब वो 1,00,000 की नैनो खरीद रहा है उस पर आपका 18,000 का टैक्स और दो और उस 18,000 पे और 18,000 सेस दो, तो सर ये उसके लिए तो बजट बिगड़ जाएगा ना, मरे हुए को मारने वाली बात हो जाएगी। तो लॉ मेकर ने कहा हम मिडिल क्लास को बिल्कुल हर्ट नहीं करेंगे, हाँ लेकिन अगर कोई बंदा 1 करोड़ की गाड़ी खरीद रहा है और उस 1 करोड़ पे हम 18,00,000 का सेस अलग से मांग भी लेंगे तो उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जहां वो 1 करोड़ खर्च करने को तैयार है 18,00,000 इज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट फॉर हिम। तो हम ऐसे लोगों को पकड़ेंगे जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, परचेजिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत पैसा खर्च करते हैं अपने शौक पे, उनसे हम इन टैक्स की रिकवरी करेंगे क्योंकि उनको इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सर्विसेज कोई भी ले सकता है, सर्विसेज के केस में हम परचेजिंग कैपेसिटी डिटरमिन नहीं कर सकते, देयरफॉर ये सेस ना तो सर्विसेज पे लगेगा ना ही नॉर्मल गुड्स पे लगेगा, क्लियर है? यानी कोई गोल्ड ले रहा है तो सर गोल्ड तो बेसिक जरूरत है, आज की डेट में गरीब से गरीब आदमी भी अपनी बेटी की शादी में सोना खरीदेगा तो उस पर हम ये टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन हीरा ज्यादातर वही लोग लेंगे जिनकी परचेजिंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो उस पर हम ये टैक्स ये सेस चार्ज कर देंगे, और इससे जो रिकवरी होगी उस रिकवरी से सेंट्रल स्टेट के इस डेफिसिट की कमी पूरी करेगी।
यानी सेंट्रल को मनाने के लिए सेंट्रल सॉरी स्टेट को मनाने के लिए सेंट्रल ने दो प्रोमिसेस किए. स्टेट गवर्नमेंट को मनाने के लिए सेंट्रल ने दो प्रोमिसेस किए, जिसमें से पहला प्रॉमिस था कि जीएसटी किसी भी नाम से हो हमेशा आधा आधा इक्वली बटेगा बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट. और एक टैक्स एक लॉ दोनों सरकार बना सकती है या नहीं, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाई गई और एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया, आर्टिकल नंबर 246A, जिसके अंदर कहा गया कि यहाँ पे हम सेंट्रल और स्टेट, पार्लियामेंट और लेजिस्लेशन को, स्टेट लेजिस्लेशन को, विधानसभा दोनों को साथ साथ पावर दे रहे हैं कि आप एक जैसा लॉ ड्राफ्ट कर सकते हो और उसके अंदर जितना भी टैक्स आए बराबर बराबर मात्रा में बांट सकते हो. ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के चलते ये प्रोविजन आया. एंड सेकेंडली उन्होंने कहा कि जीएसटी तो आधा आधा बटेगा ही बटेगा, प्लस कल को अगर जीएसटी आने की वजह से आपकी रिकवरी में, आपके रेवेन्यू में कोई कमी रही तो वो डेफिसिट हम कंपनसेट करेंगे बाय चार्जिंग कंपनसेशन सेस ऑन लग्जूरियस गुड्स. हम कंपनसेशन सेस अमीर लोगों से रिकवर करके आपके डेफिसिट की पूरी भरपाई कर देंगे. और स्टेट को जब ये दोनों प्रोमिसेस कर दिए गए, स्टेट इससे सहमत हो गया, तो स्टेट ने अपना कंसेंट, अपनी रजामंदी दे दी सेंट्रल को. एंड देन इसके बेसिस पर सेंट्रल ने फाइनली जीएसटी को लॉन्च किया. ठीक है, अब ये जो जीएसटी आया इसको लगाने के लिए सरकार ने कुछ कंडीशंस लगाई. सिर्फ आज हम बेसिक समझेंगे, इनको डिटेल में हम चैप्टर बाय चैप्टर आगे चल के कंक्लूड करते जाएंगे. बात को समझिएगा उन्होंने क्या कहा. उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन होगी, किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन होगी, चाहे गुड्स की या सर्विसेज की, उस ट्रांजैक्शन पे हम जीएसटी को चार्ज करेंगे. और पुराने लॉ में गुड्स की ट्रांजैक्शन के लिए हम दो टर्म्स यूज करते थे, या तो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग या गुड्स की सेल. सर्विसेज के लिए हम टर्म यूज करते थे रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज. यानी गुड्स और सर्विसेज के लिए अलग अलग वर्ब, अलग अलग एक्शंस यूज किए जाते थे. बट अब ये तीनों एक्टिविटीज एक ही लॉ में आ गई, तो इनके वर्ब को रिप्लेस कर दिया एक नए नाम से, जिसको हमने नाम दिया सप्लाई. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म अंडर जीएसटी. रदर मैं कहूंगी इट इज द टैक्सेबल इवेंट ऑफ जीएसटी. उन्होंने कहा कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज की आप सप्लाई करेंगे. सप्लाई की एक बहुत डिटेल डेफिनेशन दी है जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे, बट उन्होंने कहा कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज की अगर आपने सप्लाई की है, लेन देन किया है, तो उस लेन देन पे हम आपसे जीएसटी चार्ज करेंगे. लेकिन जीएसटी लगाते वक्त एक और बदलाव लाया गया और कहा गया कि जीएसटी विल बी अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स. जबकि प्रीवियस लॉज में ऐसा नहीं था. जीएसटी आने से पहले जितने भी पुराने लॉज थे, उन पुराने लॉज को ओरिजिन बेस्ड टैक्स बनाया गया था और जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स. अब इसका मतलब क्या होता है, जरा इसको समझने की कोशिश करेंगे.
ओरिजिन बेस्ड टैक्स का मीनिंग होता है, मान लीजिए एक सेलर है गुजरात में बैठा है और एक बायर है आसाम में बैठा है, और सेलर ने बायर को माल बेचा यानी इंटर स्टेट सेल हुई। अब पुराने लॉ में इंटर स्टेट सेल पे सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। लेट्स से गुड्स का सेलिंग प्राइस है 100 रुपए और इस पे सीएसटी लगनी है 2 रुपए की, तो ये 2 रुपए पे कौन करता था? सेलर। और रिकवर किससे किया जाता था? बायर से, यानी बायर को ये सामान कितने पे बेचते थे? 2 रुपए पे। तो रिकवर कर लिए 2 रुपीज फ्रॉम बायर और ये पे किए 2 रुपए टू गवर्नमेंट। अब सेलर ये 2 रुपए कौन सी गवर्नमेंट को पे करता था? लॉ मेकर कहता था ये ओरिजिन बेस्ड टैक्स हुआ करता था। ओरिजिन का मतलब जहां से सेल की शुरुआत हुई। सेल की शुरुआत, सेल की ओरिजिन कहां है? गुजरात। और सेल का डेस्टिनेशन कहां है? कहां पे गुड्स पहुंचाए जा रहे हैं? आसाम। तो पुराने लॉ में क्या होता था कि सर जहां पे सेलर बैठा है, जहां पे सेल का ओरिजिन है, वहां पे हम गुजरात गवर्नमेंट को ये टैक्स पे करते थे। यानी प्रीवियस लॉज में कौन सी स्टेट गवर्नमेंट टैक्स ले जाती थी? जहां पे उस एक्टिविटी की ओरिजिन होती थी, शुरुआत होती थी, ठीक है। बट जीएसटी में एक मेजर ड्रास्टिक चेंज लाया गया और सरकार ने कहा इसी केस में कि ये सेलर है गुजरात का, इसने माल बेचा बायर को आसाम का और इंटर स्टेट सेल हो गई। सेल हुई 100 रुपए की, इस पे लेट से जीएसटी लगना है 12 रुपए लेट से, या 18 रुपए, कुछ भी ले लीजिए अलग अलग रेट से। 118 रुपए का टोटल परचेज प्राइस रहा। अब बायर ने रिकवर करके दे दिया सेलर को 18 रुपए, यानी बायर के जेब से 118 गए, यानी इस 18 रुपए का टैक्स का बर्डन बायर पे शिफ्ट हुआ और सेलर को ये पे करना पड़ेगा 18 रुपए टू सेंट्रल गवर्नमेंट, 50% उसको। और इस बार कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ले जाएगी, गुजरात या आसाम? उन्होंने कहा जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, यानी जहां पे डेस्टिनेशन है, जहां पे इन गुड्स की कंजम्पशन होने वाली है, उस सरकार को हम ये टैक्स देंगे। यानी अब इस एग्जाम्पल में आसाम गवर्नमेंट के पास ये पैसा जाएगा, 18 में से 9 रुपए सेंट्रल के पास एंड 9 रुपए आसाम गवर्नमेंट के पास, बिकॉज जीएसटी इज अ कंज्यूमर बेस्ड टैक्स। जहां पे कस्टमर बैठा है उसकी सरकार को ये टैक्स मिलना चाहिए, ना कि सेलर की सरकार को। और देखिए बड़ी लॉजिकल सी बात है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन हमेशा आगे आने वाले कंज्यूमर पे शिफ्ट होता है। तो बहुत लॉजिकल बना, पहले इलॉजिकल था कि सर बर्डन तो शिफ्ट हो रहा था बायर पे, लेकिन उसका रेवेन्यू लेके जाती थी सेलर की सरकार। बट जीएसटी में कह दिया कि क्योंकि कंज्यूमर पे बर्डन शिफ्ट हो रहा है, सर बर्डन तो कंज्यूमर पे शिफ्ट हो रहा है ना, तो उसका बेनिफिट भी उसकी गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। भाई जहां कंज्यूमर आसाम का है और उसकी जेब से पैसा खर्च हो रहा है, तो उसके पैसे का कुछ हिस्सा टैक्स के नाम से आसाम गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही इसको इतना सक्षम किया है कि ये पैसे खर्च कर सके। भाई बायर जहां बैठा है, बायर की जेब पे बर्डन आ रहा है, तो जब बायर की जेब पे बर्डन है तो बायर ही तो उसका बेनिफिट लेगा। यानी जिस स्टेट में बायर बैठा है उसकी सरकार को बेनिफिट मिलना चाहिए, उसका रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, सो दैट सरकार उसी के पैसे को उसकी स्टेट के डेवलपमेंट पे लगाए, और जब उसका स्टेट ग्रो करेगा तो उसकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली अपने आप होगी, ठीक है। लॉजिक क्लियर। एंड सेकेंड बेनिफिट,
सर जब ओरिजिन बेस्ड टैक्स हुआ करता था ना उसको हम ओबीटी कहते थे. जब ओरिजिन बेस्ड टैक्स हुआ करता था तो हर सरकार सेलर्स की संख्या बढ़ाने में लगी रहती थी. सो शॉपिंग मॉल खोल लो, दुकानें खोल लो, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खोल लो, फैक्ट्री डाल लो, गांव के गांव खत्म कर दो, सो दैट सरकार को रेवेन्यू वहां से मिलता था. बट अब जीएसटी कंज्यूमर बेस्ड टैक्स हो गया तो सरकार अब सप्लायर पे सेलर पे ज्यादा फोकस नहीं करेगी, वो बायर पे ज्यादा फोकस करेगी. क्योंकि जिस स्टेट में जितने ज्यादा कंज्यूमर्स होंगे, जितने ज्यादा बायर होंगे, उतना ही उनका रेवेन्यू बढ़ेगा. तो अल्टीमेटली इकोनॉमी में भी मैनिपुलेशन कुछ हद तक बैलेंस हो पाएगी, कम हो पाएगी. इज दैट क्लियर? अब सवाल ये उठता है कि सेलर गुजरात में बैठा है, वो आसाम गवर्नमेंट को कैसे देगा टैक्स? तो उसके लिए सरकार ने कुछ चीजें आसान की. गवर्नमेंट ने कहा कि जीएसटी चार्जेबल होगा ऑन ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लेन देन पे होगा, और इस ट्रांजैक्शन को नाम दिया गया सप्लाई का. ठीक है, उन्होंने कहा ये सप्लाई हम मेनली दो कैटेगरी में बांट देते हैं. पहला इंट्रा स्टेट सप्लाई, दूसरा इंटर स्टेट सप्लाई. जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर है, इंट्रा स्टेट सप्लाई में विद इन सेम स्टेट सप्लाई हो रही होगी. अब सप्लाई पे जीएसटी है तो एक बंदा सप्लाई करता होगा और दूसरे को देता होगा. पुराने लॉ में जहां मैन्युफैक्चरिंग का टैक्स था, सप्लायर मैन्युफैक्चरर होता था, सेल्स में सेलर होता था, सर्विसेज में सर्विस प्रोवाइडर होता था. बट जीएसटी में चाहे गुड्स हो या सर्विसेज, दोनों के लिए एक नाम दे दिया सप्लाई. तो यहाँ पे असेसी को भी बांट दिया एक ही नाम में, कि चाहे गुड्स दे रहे हो या सर्विसेज दे रहे हो, जो दे रहा है वो सप्लायर और जो उन गुड्स या सर्विसेज को ले रहा है वो रिसिपियंट. रिसिपियंट और सप्लायर का नाम दे दिया. अब से सप्लायर को मैं शॉर्ट में एस बुलाऊंगी और रिसिपियंट को शॉर्ट में आर बुलाऊंगी. ठीक है बेटा, अब समझिएगा क्या होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई में. जहां कहीं भी सप्लायर और रिसिपियंट एक ही स्टेट में बैठे हुए होते हैं, मान लीजिए सप्लायर राजस्थान का और रिसिपियंट भी राजस्थान का, ये इसको गुड्स बेच रहे हैं, तो लॉ मेकर ने कहा जब कभी सप्लायर और रिसिपियंट दोनों विद इन सेम स्टेट बैठे होंगे, एक ही स्टेट में लोकेटेड होंगे, तो उसको हम इंट्रा स्टेट सप्लाई का नाम दे देंगे. और अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी तो सप्लाई के दौरान सप्लायर को एक इनवॉइस इश्यू करनी पड़ेगी जिसमें वो सेल प्राइस लिखेगा, कितने पे माल बेच रहा है, और उस पे वो जीएसटी भी चार्ज कर देगा. अब लेट्स से जीएसटी का रेट है 18%. तो लॉ मेकर कहता है इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में ना जीएसटी प्राइमरीली दो हिस्सों में बट जाएगी. यानी स्टेट गवर्नमेंट कहती है सेंट्रल को कि सर दोनों एक साथ इकट्ठा इकट्ठा टैक्स रिकवर करेंगे, तुम और मैं एड पा रहे बराबर लेवल पे, तुम मुझे डोमिनेट मत करना, सुपेरियरिटी मत दिखाना. यानी अगर सेम स्टेट में सप्लाई हो रही है तो जितना भी जीएसटी का रेट है उसको आधा आधा सेंट्रल और स्टेट बांट लेगी इन द नेम ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. नाम से ही क्लियर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी और स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी. 9 रुपए सेंट्रल को जाएंगे, 9 रुपए स्टेट को. और ये कैसे जाएंगे, यानी टोटल इनवॉइस प्राइस बन गया 118 का. तो सप्लायर क्योंकि सेम ही स्टेट में बैठा है, और बताइए ये कौन सी गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, एसजीएसटी. हमने क्या पढ़ा, जीएसटी इज अ कंज्यूमर बेस्ड टैक्स. जीएसटी उस सरकार को दिया जाएगा जहां पे कंज्यूमर बैठा हुआ है. बताइए कंज्यूमर कहां पे बैठा हुआ है,
राजस्थान में और सप्लायर भी कहा है राजस्थान. तो ये SGST सिंस इट इज अ कंज्यूमर बेस्ड टैक्स तो कौन सी गवर्नमेंट को दिया जाएगा, देयरफॉर पेड टू राजस्थान गवर्नमेंट. भाई जहां पे कंज्यूमर बैठा हुआ है उस सरकार को हम ये टैक्स दे देंगे. और कंज्यूमर भी उसी स्टेट में बैठा है जहां पे मैं बैठा हूं. मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन में बताया था GST इनडायरेक्ट टैक्स है जिसको पे कर देते हैं ओरिजिन पे और उसका बर्डन शिफ्ट कर देते हैं आगे कंज्यूमर पे. तो यानी इसको पे कौन करेगा, सप्लायर विल पे GST टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ₹9, 9 रुपए सेंट्रल को दे देगा एंड राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टली दे देगा क्योंकि खुद भी वहीं पे लोकेटेड है, वहीं पे रजिस्टर्ड है राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट, 9 रुपीज डायरेक्टली. इस सप्लायर की जिम्मेदारी होगी डायरेक्टली 9 रुपए गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को दे और रिमेनिंग 9 रुपए डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को दे दे क्योंकि खुद भी वहीं पे बैठा हुआ है, वहीं पे रजिस्टर्ड है, डायरेक्टली पेड इट. ठीक है. अच्छा, लेकिन अगर उल्टा हो जाए, यानी सप्लायर तो बैठा हुआ है राजस्थान में बट जो रिसिपिएंट है वो लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में, यानी सप्लायर और रिसिपिएंट आर लोकेटेड इन डिफरेंट स्टेट्स, ये दोनों अलग अलग स्टेट्स में बैठे हुए हैं. अलग अलग स्टेट्स में बैठे हुए हैं तो इसको हम इंटर स्टेट सप्लाई कह देंगे, जहां पे सप्लाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रही है. अब इस सिचुएशन में सप्लायर बिल रेज करेगा, इनवॉइस काटेगा, सेलिंग प्राइस 100 रुपए और GST का रेट है 18%. बट क्या ये GST सप्लायर दे पाएगा डायरेक्टली टू बंगाल गवर्नमेंट? ध्यान से समझिएगा, GST इज अ कंज्यूमर बेस्ड टैक्स, तो इसका जो 50% जाना है स्टेट गवर्नमेंट को वो उस स्टेट गवर्नमेंट को जाना है जहां पे डेस्टिनेशन है. हमारे एग्जांपल में ओरिजिन क्या है, राजस्थान, एंड डेस्टिनेशन क्या है, बंगाल. तो लॉ मेकर ने कहा कि भाई साहब सप्लायर को तो GST देना पड़ेगा, सप्लायर विल पे GST टू. अब देना किस किस को था, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, और कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को देना था, बंगाल स्टेट गवर्नमेंट को. अब सप्लायर जो राजस्थान में बैठा है क्या वो बंगाल गवर्नमेंट को जानता है, क्या वो बंगाल गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में डिटेल्स में एग्जिस्ट करता होगा? सर सवाल ही पैदा नहीं होता. ये तो कौन सी सरकार के साथ रजिस्टर्ड है, राजस्थान गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है. तो सरकार ने यहाँ पे कन्वीनियंट कर दिया, उन्होंने कहा अगर इंटर स्टेट सप्लाई आए तो आप IGST लगा देना इन द नेम ऑफ इंटीग्रेटेड GST, जिसके अंदर सेंट्रल का हिस्सा भी मिला होगा और स्टेट का हिस्सा भी मिला होगा. और सप्लायर जिसको टैक्स पे करना है विल पे IGST टू सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरा का पूरा IGST सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगी. फिर पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, सेंट्रल गवर्नमेंट विल रिटेन इट्स 50% शेयर, दैट इज 9 रुपए. 18 रुपए का, जो भी 18 रुपए का GST था उसका 50% तो सेंट्रल का हिस्सा है, तो पूरा 18 रुपए सप्लायर ने सेंट्रल को दे दिया. सेंट्रल ने उसमें से अपना आधा हिस्सा 9 रुपए रख लिया एंड विल फॉरवर्ड बैलेंस 50% टू दैट स्टेट गवर्नमेंट वेयर एंड यूजर इज लोकेटेड, वेयर एंड यूजर इज लोकेटेड, यानी हमारे एग्जाम्पल में बंगाल गवर्नमेंट.
भाई सेंट्रल तो सारी सरकार को जानती है ना, स्टेट को, तो इन्होंने एक कॉमन पोर्टल बना दिया। इन्होंने कहा भाई साहब सरकार तो आपस में जानती है बट असेसी हर सरकार को नहीं जानते, तो जहां पे असेसी सप्लायर और रिसीपेंट दोनों एक स्टेट में है वहां पे तो सप्लायर को कह दिया कि भैया बायर भी उसी स्टेट में है तो अपनी स्टेट गवर्नमेंट को आधा टैक्स SGST के नाम से ट्रांसफर कर दो, लेकिन जहां पे सप्लायर और बायर अलग अलग स्टेट में बैठे हैं तो हमने कहा GST इज अ कंज्यूमर बेस्ड टैक्स, यानी GST का 50% तो सेंट्रल पे जाना है जो कॉमन है थ्रू आउट इंडिया, बट जो रिमेनिंग 50% है वो उस स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा जहां पे कंज्यूमर बैठा हुआ है। यानी हमारे एग्जाम्पल में बंगाल गवर्नमेंट को अनौर पे जाना है और सप्लायर बंगाल गवर्नमेंट को जानता नहीं क्योंकि वो राजस्थान गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, तो इंटर स्टेट सप्लाई के केस में सरकार ने कह दिया कि आप फिर चिंता मत करो, आप इकट्ठा पैसा इन द नेम ऑफ IGST हमें दे दो, सेंट्रल को दे दो, सेंट्रल उसमें से अपना आधा हिस्सा निकाल के बाकी आधा हिस्सा उस सरकार को दे देगी जहां पे एंड यूजर कंज्यूमर सिचुएटेड है। यानी अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि GST को अब हमने तीन कैटेगरी में बांट दिया, CGST, SGST एंड IGST। CGST 50-50% ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे एंड IGST पूरा का पूरा इकट्ठा जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों का हिस्सा होगा वो सेंट्रल को दे दिया जाएगा, फिर सेंट्रल अपना हिस्सा निकाल के बाकी पैसा उस सरकार को दे देगी जहां पे एंड यूजर कंज्यूमर सिचुएटेड है। क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा, क्लियर है? तो हमने कहा जीएसटी के लिए टैक्सेबल इवेंट हो जाएगा सप्लाई, यानी लेन देन होना जरूरी है, ट्रांजैक्शन होनी जरूरी है गुड्स और सर्विसेज की, और इस सप्लाई को, इस लेन देन को हमने दो कैटेगरी में बांट दिया, इंट्रास्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई। अगर सप्लाई इंट्रास्टेट है विद इन सेम स्टेट है तो लॉ मेकर कहता है फिर ऐसे केस में हम जीएसटी को डायरेक्टली आधे आधे हिस्से में बांट देंगे CGST एंड SGST, बट अगर सप्लाई इंटर स्टेट आ गई तो हम पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल को दे देंगे इन द नेम ऑफ IGST, ऑल्दो सेंट्रल उसमें से अपना आधा हिस्सा निकाल के रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी जहां पे एंड यूजर सिचुएटेड है। यहां पे IGST इसलिए देंगे क्योंकि सप्लायर जो राजस्थान में बैठा है उसे आधा हिस्सा बंगाल गवर्नमेंट को देना है बट वो बंगाल गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके पोर्टल पे पैसे ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे, देयरफॉर डायरेक्टली पेमेंट सेंट्रल को दे दी जाएगी। हाउएवर इंटरस्टेट सप्लाई के अंदर सप्लायर रिसिपिएंट दोनों एक ही स्टेट में थे, कंज्यूमर बेस्ड चेक था, कंज्यूमर भी वहीं पे था, तो सप्लायर को कह दिया आप खुद तो राजस्थान गवर्नमेंट के साथ ही रजिस्टर्ड हो तो आप ही उसका 50% डायरेक्टली राजस्थान गवर्नमेंट को पे कर दो। क्लियर है? चलिए अब इस कंसेप्ट के साथ साथ सरकार ने कुछ बेसिक कंडीशंस बनाई, जिन बेसिक कंडीशंस को मैं एक समरी के रूप में कन्वर्ट करके आपको बताना चाहती हूं। चलिए देखिएगा जरा, अब जो मैं आपको बताऊंगी ये सिर्फ हमारा फॉर्मूला है, हमारे निमोनिक्स है, सेल्फ मेड है बेटा, मैंने अपने सिर्फ स्टूडेंट्स को याद करने के लिए बताए हैं, इनको एग्जाम्स में आप इन टर्म्स को मत यूज कीजिएगा, इन कोडिंग को यूज मत कीजिएगा, ये कोडिंग सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ बातों को याद कराने के लिए दी गई है, रिटेंशन की टेक्निक के लिए इसको हम यूज करेंगे, अदरवाइज हम वही टेक्निकल टर्म्स एग्जाम में ड्राफ्ट करेंगे लिखेंगे जो लॉ हमें बताता है। ठीक है, आज से मैं आपको कहूंगी बेटा पूरे जीएसटी को मैं ब्रॉडली दो कैटेगरी में बांट दूंगी। उसमें पहली कैटेगरी होगी चार्जेबिलिटी ऑफ जीएसटी, जीएसटी लग रहा है या नहीं, और अगर लग रहा है तो उसकी कंप्यूटेशन कैसे होगी एंड पेमेंट वगैरह कैसे होगी, प्रोसेसिंग कैसे होगी, इसको हम अलग तरह से देखेंगे। जीएसटी सिर्फ और सिर्फ तब चार्ज होगा जब 5 सवाल के आप जवाब दे देंगे। पहला, टेस्ट नंबर 1, आप चेक करेंगे
whether any activity is treated as goods or service or not. हम चेक करेंगे कोई भी एक्टिविटी गुड्स या सर्विसेज की डेफिनेशन के अंदर आ रही है या नहीं. गुड्स की डेफिनेशन दी है सेक्शन 2 सब सेक्शन 52 ने और सर्विसेज की डेफिनेशन हम देखेंगे सेक्शन 2 सब सेक्शन 102 के अंदर, जहां पे उन बेसिक कंडीशंस को समझते हुए हमें इनका मीनिंग निकालना है. अगर कोई भी एक्टिविटी इस डेफिनेशन में नहीं आई, यानी अगर ये टेस्ट फेल हो गया तो जीएसटी लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता. जैसे मैंने आपको कहा बेटा अल्कोहल, वो जीएसटी में नहीं आता, नॉन टैक्सेबल गुड्स है. तो अल्कोहल को बना के बेच रहे हो बट वो गुड्स की डेफिनेशन में है ही नहीं, तो उस पर जीएसटी लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता. लेकिन अगर गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन में आ रहा है तो अभी हम ये तय नहीं कर सकते कि इस पे जीएसटी लगेगा या नहीं, अभी हम ये कुछ नहीं बता पाएंगे. अब हमें अगर वो गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन में आ गया है तो हमें दूसरा टेस्ट उससे कनेक्ट करना पड़ेगा और दूसरा टेस्ट कहेगा चेक वेदर दे हैव बीन सप्लाई और नॉट. ठीक है, आपको चेक करना होगा उनकी सप्लाई हुई है या नहीं. ठीक है, सप्लाइड और नॉट, आपको चेक करना होगा उसकी सप्लाई हुई है या नहीं. लेन देन होना जरूरी है और कुछ केसेस हम एक्सेप्शनल केसेस भी देखेंगे जहां पे लेना होगा देना कुछ नहीं होगा एंड वाइस वर्सा. बट वो ये कह रहा है सप्लाई होनी जरूरी है और सप्लाई के लिए उन्होंने सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 बनाए हैं ऑफ सीजीएसटी एक्ट. हम ये जितने भी सेक्शन पढ़ेंगे वो सीजीएसटी एक्ट के हैं. ठीक है, अभी हम देखेंगे सीजीएसटी एक्ट मदर एक्ट है, उसको प्राइमरीली फॉलो किया जाएगा. अब सेक्शन 7 या 8 के अकॉर्डिंगली अगर वो आइटम का सप्लाई हुआ है, अगर उसका सप्लाई हुआ है तो हमें कुछ और देखना पड़ेगा. लेकिन अगर सप्लाई ही नहीं हुआ तो जीएसटी लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता. जैसे फ्री में आपने कुछ दे दिया, गिफ्ट दे दिए, तो सर गिफ्ट दे दिए तो उस पर कोई जीएसटी नहीं है, वो फ्री का आइटम है. ठीक है, बट अगर लेन देन हुआ है सप्लाई की डेफिनेशन में आप कवर हुए हो तो फिर अभी हम ये बताना मुश्किल है कि जीएसटी लगेगा या नहीं. लेकिन फिर टेस्ट नंबर 3 आ जाएगा जिसमें हम चेक करेंगे कि चेक वेदर सच सप्लाई इज इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट. ठीक है, वो सप्लाई इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है ये हमें चेक करके बताना पड़ेगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम तय करेंगे कि हम आईजीएसटी पे करें या हम सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करें. अब पेमेंट कौन से जीएसटी में जानी है, इट डिपेंड्स थॉरली अपॉन द टाइप ऑफ सप्लाई. ठीक है, और ये बात कि इंटरस्टेट में जाना है, ये बात कहता है सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, ये भी 2017 में आया, ध्यान रखिएगा. यहां पे भी सेक्शन 7 है, यहां पे भी, बट ये सेक्शन 7 है सीजीएसटी एक्ट का जो सप्लाई बताता है और ये सेक्शन है आईजीएसटी एक्ट का जो इंटर इंट्रा की डिटेल बताता है. और यहां पे सेक्शन 8 कहेगा एक्सक्यूज मी ऑफ अगेन आईजीएसटी एक्ट के ये इंटर है या इंट्रा. अब इंटर है या इंट्रा ये डिपेंड करेगा दो बातों पे, पहला सप्लाई का ओरिजिन क्या है और सप्लाई का डेस्टिनेशन क्या है. जीएसटी में डेस्टिनेशन को अब से हम नाम देंगे प्लेस ऑफ सप्लाई.
जिसे शॉर्ट में मैं कहूंगी POS, ठीक है। और अगर ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सेम है तो बन गया इंट्रा स्टेट सप्लाई, और अगर ओरिजिन डेस्टिनेशन अलग अलग है, डिफरेंट है, तो बन जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई। अब डेस्टिनेशन के लिए यानी प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए IGST एक्ट में चार सेक्शन हम पढ़ेंगे, सेक्शन 10, 11, 12 एंड 13, जहां पे सेक्शन 10 और 11 हमें गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना बताएगा, और सेक्शन 12, 13 हमें सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई बताएगा, और ये सारे सेक्शन IGST एक्ट के होंगे, ध्यान रखिएगा। याद रखिएगा, इंटर इंट्रा देखने के लिए, आई चेक करने के लिए आपको IGST एक्ट में जाना पड़ेगा। बस ये इंटर इंट्रा देखने के लिए हम IGST एक्ट में जाएंगे, बाकी सारे प्रोविजंस हमारे मदर एक्ट से हम उठाएंगे CGST एक्ट से, ठीक है। फर्दर, जो भी हमारा होगा सप्लाई का नेचर, उसको हम कनेक्ट करेंगे टेस्ट नंबर 4 से, और टेस्ट नंबर 4 कहेगा चेक वेदर सच सप्लाई इज मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन और नॉट। आपको ये चेक करना होगा कि ये सप्लाई किसी टैक्सेबल पर्सन द्वारा हो रहा है या नहीं, और टैक्सेबल पर्सन का मतलब हम पढ़ेंगे कोई भी बंदा जो GST के अंदर रजिस्टर्ड है। अभी के लिए बस इतने ध्यान रखिएगा, बात कोई भी बंदा है जो GST में रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड पर्सन है, वो हमारे लिए टैक्सेबल पर्सन होगा। और टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन उन्होंने सेक्शन 22, 23 एंड 24 ऑफ CGST एक्ट में दी है, जिसमें उन्होंने बताया कब कब रजिस्ट्रेशन होना है, ठीक है। यानी वहां पे हम एक केस देखेंगे कि किसी का भी सालाना टर्नओवर अगर 20 लाख के ऊपर गया तो उसको GST में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और रजिस्ट्रेशन कराते ही वो टैक्सेबल पर्सन बन जाएगा, और अगर सप्लाई टैक्सेबल पर्सन द्वारा है तो ही GST लगेगी, अदरवाइज नहीं। यानी अगर सप्लाई टैक्सेबल पर्सन द्वारा नहीं है, मान लीजिए टॉफी बेच रहा है ग्रोसरी का दुकानदार जो गली मोहल्ले में बैठा हुआ है, छोटा सा शॉपकीपर जिसका सालाना टर्नओवर 12 लाख रुपए है, क्योंकि उसका सालाना टर्नओवर 12 लाख 20 लाख रुपए से कम है तो उसने GST में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होगा, और क्योंकि वो रजिस्टर्ड है ही नहीं तो वो GST के लिए टैक्सेबल पर्सन नहीं है, और टैक्सेबल पर्सन नहीं है तो उस पर कोई GST चार्ज नहीं होगी। लेकिन अगर यही टॉफी बिग बाजार के कॉम्प्लेक्स में बिक रही है, बिग बाजार जिसका सालाना टर्नओवर 100 लाख, मान लीजिए 20 लाख से ऊपर है, उसने GST में पक्का रजिस्ट्रेशन कराया होगा, और रजिस्ट्रेशन कराते ही वो टैक्सेबल पर्सन बन गया। अब वो बिग बाजार वही टॉफी अपने कॉम्प्लेक्स से बेचेगा तो उसपे GST लग जाएगी, क्योंकि वो टैक्सेबल पर्सन है। क्लियर हो रही है बात? सिर्फ अभी बेसिक लीजिएगा, डिटेल में हम आगे पढ़ते जाएंगे। अगर टैक्सेबल पर्सन द्वारा सप्लाई नहीं है तो GST नहीं लगेगा, अगर टैक्सेबल पर्सन द्वारा सप्लाई है तो हम आखिरी टेस्ट चेक करेंगे। आपको चेक करना होगा कि वो जो भी सप्लाई हो रही है किसी एग्जेम्पशन में तो नहीं आ रही। चेक वेदर सच सप्लाई is covered under any exemption or not। आपको चेक करना होगा किसी exemption में ना आए। Exemption के लिए सरकार ने notifications बनाई है, central government ने notifications issue की है, जिसमें हम goods की अलग notification देखेंगे, services की अलग, ठीक है। Different notifications के अंदर वो हमें exemptions बताएंगे, छूट देंगे। अगर वो आपका आइटम, आपकी सप्लाई
एग्जेम्पशन में आ रही है, एग्जेम्प्टेड है, सरकार ने छूट दी है, तो उस पे जीएसटी लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे हम वहां जाके पढ़ेंगे कि कोई भी होटल अगर अपना होटल का रूम पर डे 1000 रुपए या उससे कम पे दे रहा है तो उस पे जीएसटी चार्ज नहीं होगी, लेकिन अगर वही होटल रूम 1000 से ज्यादा पे जा रहा है, उसका टैरिफ 1000 या उससे ज्यादा है, तो उस पे हम जीएसटी चार्ज कर देंगे। तो वहां पे कुछ मॉड्यूलेशन आई है, पहले वो कहता था 1000 या 1000 से कम तो छूट मिलेगी, अब वो कहता है 1000 से कम होगा तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, उससे ऊपर गया तो आपको जीएसटी देनी पड़ेगी। यानी अगर एग्जेम्पशन में आ गए तो जीएसटी से बच गए, एग्जेम्पशन नहीं है, आपकी सप्लाई एग्जेम्प्टेड नहीं है, तो फाइनली हम कहेंगे जीएसटी शैल बी चार्जेबल। ठीक है, इन 5 टेस्ट का मैं कोडिंग बना दूंगी एंड कोड विल बी जी साइट। बेटा ये कोड सिर्फ और सिर्फ हमारी क्लासेस के याद करने के लिए है, ठीक है, इसका सिर्फ हमने कॉपीराइट लिया है अपने बुक्स के लिए, अदरवाइज प्रैक्टिकल लाइफ में आपका इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आपके रिटेंशन के लिए है। कॉपीराइट हमने सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल के लिए लिया है, प्रैक्टिकल लाइफ में हमें ये टर्म्स यूज करनी है। ठीक है, जी से हम देखेंगे, सबसे पहले जी साइट याद रखिएगा, जी से आप चेक करेंगे गुड्स या सर्विस की डेफिनेशन में आ रहा है या नहीं, टेस्ट नंबर 1। फिर एस से हम चेक करेंगे वो सप्लाई हुआ या नहीं, फिर हम आई से चेक करेंगे वो इंटर है या इंट्रा, फिर टी से हम चेक करेंगे वो टैक्सेबल पर्सन द्वारा है या नहीं, एंड देन लास्टली ई से हम चेक करेंगे वो किसी एग्जेम्पशन में तो नहीं आ रहा। बताइए ये पांचों के पांचों टेस्ट लगने चाहिए या पांचों में से कोई एक? लॉ मेकर कहता है ये पांचों टेस्ट साथ साथ लगेंगे, प्लस हमने फॉर्मूला बना लिया जी साइट का प्लस, तो जी साइट ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो जीएसटी लगेगा, अदरवाइज नहीं। इसमें से ध्यान रखिएगा सारे के सारे सेक्शंस सीजीएसटी एक्ट के हैं, सिर्फ जो आए इंटर इंट्रा चेक करेंगे इसके प्रोविजंस हमें आईजीएसटी एक्ट से उठाने पड़ेंगे, अदरवाइज बाकी सारे प्रोविजंस हम मदर एक्ट सीजीएसटी एक्ट से उठाएंगे। ठीक है, आगे हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे कि अगर जीएसटी लग रहा है, अगर जीएसटी लग रहा है तब अगला सवाल पैदा होता है कि जीएसटी कैसे लगे, कब लगे, कैसे दें। तो यहां पे मैं अगेन 4 सवाल बांट देती हूं। पहला सवाल, जीएसटी कितने अमाउंट पे लगाएं, कितने अमाउंट पर दें। ठीक है, तो लॉ मेकर ने कहा जीएसटी निकालने के लिए हम एक वैल्यूएशन निकालना सीखेंगे। ठीक है, उसके लिए हम वैल्यू निकालना सीखेंगे और वैल्यू निकालने के प्रोसेस को हम नाम देंगे वैल्यूएशन, और ये वैल्यूएशन हमें सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट सिखाएगा, प्लस इसके साथ साथ हम सीजीएसटी के रूल्स पढ़ेंगे अलग अलग, जैसे वहां पे होंगे रूल 27, 28, 29, 30 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमें बताएगा कि हमें वैल्यू कैसे निकालनी है। ठीक है, फिर जो वैल्यू निकल के आएगी, जो वैल्यू निकल के आएगी, अगला सवाल फिर हम बनाएंगे कि इसको पे कौन करे। सेकंड क्वेश्चन, जीएसटी कौन पे करेगा। ठीक है, तो हम आगे चल के देखेंगे, जो सरकार को पे करेगा, टू गवर्नमेंट की बात कर रही हूं मैं, सरकार को जो जीएसटी पे करता है उस बंदे को हम नाम देते हैं असेसी, आज से ध्यान रखिएगा, हु पे टैक्स टू गवर्नमेंट, वो बंदा जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है उसे हम बुलाएंगे असेसी। तो वो कह रहे हैं बताइए जीएसटी कौन पे करेगा, जीएसटी का असेसी कौन, तो हम चल के देखेंगे कुछ केसेस में सप्लायर होगा, कुछ केसेस में रिसीपियंट, रिसीपियंट लिमिटेड केसेस में होगा, ज्यादातर बाकी केसेस में सप्लायर होगा, सप्लायर होगा तो उसको हम कहेंगे नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, और रिसीपियंट होगा तो उसको हम कहेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये पूरा हम डिटेल में कंसेप्ट देखेंगे चैप्टर बाय चैप्टर।
नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म मतलब नॉर्मली तो सप्लायर ही जीएसटी पे करेगा क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स से ओरिजिन पे इस टैक्स की रिकवरी हो जाएगी. बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस हम देखेंगे 13 सर्विसेज और 7 गुड्स के जहां पे चार्जेबिलिटी रिवर्स हो जाएगी. सप्लायर की जगह वो जीएसटी सरकार रिसिपिएंट से रिकवर करेगी जिसको हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहेंगे. और इसके लिए हम देखेंगे सेक्शन 93 सेक्शन 94 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड सो ऑन. ठीक है. नेक्स्ट अब थर्ड सवाल खड़ा होगा. हमने देखा कितने अमाउंट पे चार्ज करें कौन देगा. थर्ड क्वेश्चन होगा जीएसटी कब पे करें. कब मैं ऐसे भी कह सकती हूं कब कंप्यूट एंड पे करें. ठीक है. तो इसके लिए लॉ मेकर ने कहा सर कंप्यूट तो आप करना ऑन अ पर्टिकुलर डे. हम एक दिन निकालना सिखाएंगे उस दिन पे आपको जीएसटी कंप्यूट करना होगा और उस दिन को आपसे हम नाम दे देंगे टाइम ऑफ सप्लाई. मैं शॉर्ट में उसे बुलाऊंगी टीओएस. असेसी को कहा आपको जीएसटी अपनी किताबों में एक पर्टिकुलर डे पे कंप्यूट करना होगा और जिस दिन पे आपको जीएसटी कंप्यूट करोगे उस पर्टिकुलर डे को हम टाइम ऑफ सप्लाई टीओएस कहेंगे. और ये टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए सीजीएसटी एक्ट के 3 सेक्शन है सेक्शन 12 13 एंड 14. इसको हम डिटेल में जाके देखेंगे. एंड फर्दर उन्होंने कहा उसको पे कर देना उसके लिए भी डेट्स दे दी नॉर्मली बाय 20th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ. अगले महीने की 20 तारीख तक आप इसको पे कर देना. यानी पिछले महीने आपने जितना भी टाइम ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंगली किताबों में जीएसटी कंप्यूट किया है उसको आप अगले महीने की 20 तारीख तक पे कर देना. ठीक है. फिर हमारा आखिरी सवाल खड़ा होगा कि हम ये जीएसटी कैसे पे करें. कैसे डॉक्यूमेंटेशन होंगे क्या क्या होगा क्या क्या लेजर्स बनेंगे एंड सो ऑन. प्रोसेस ऑफ जीएसटी क्या होगा. ठीक है. अब प्रोसेस के लिए मैं आपके 7 सब चैप्टर्स बना दूंगी जिसको हम कोडिंग देंगे IIM 4 times R. I से हम देखेंगे सबसे पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC कैसे कैसे मिलेगा. फिर दूसरे I से हम देखेंगे उसकी इनवॉइसिंग बिलिंग कैसे होगी. M से हम देखेंगे मैनर ऑफ पेमेंट कैसे उसके ई कैश लेजर्स ई क्रेडिट लेजर्स ई लायबिलिटी लेजर बनेंगे. नेक्स्ट हम देखेंगे R से रजिस्ट्रेशन किस किस को कब कब कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है. दूसरे R से हम देखेंगे रिकॉर्ड्स उन्हें कैसे मेंटेन करने हैं. तीसरे R से हम देखेंगे रिटर्न्स एटसेट्रा उन्हें बताना होगा रिटर्न्स में कि उन्होंने ये टैक्स कैसे निकाला. एंड देन लास्टली रिफंड इफ एनी अगर उन्होंने ज्यादा टैक्स दे दिया है तो उसकी रिकवरी कैसे होगी. ये 7 सब चैप्टर्स हम बनाएंगे IIM 4 times R के फॉर कंक्लूडिंग द प्रोसेस ऑफ जीएसटी. सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीएसटी जिसको हम कोडिंग कर देंगे प्रोसेसिंग को. प्रोसेसिंग की कोडिंग हम कर देंगे वैट आई के नाम से. अगेन मैं कह रही हूं बेटा ये सब मैंने अपने स्टडी मटेरियल के लिए कॉपीराइट कराया है. सिर्फ और सिर्फ मेरे कंटेंट के लिए मैंने निमोनिक क्रिएट किया है आपको बातें याद कराने के लिए. एग्जाम में ये टर्म्स यूज नहीं करनी. वैट आई का मतलब वी से वैल्यूएशन कितनी वैल्यू पे जीएसटी दे. वी के बाद ए से असेसी ये जीएसटी कौन देगा. फिर टी से टाइम ऑफ सप्लाई कब निकाला जाएगा जीएसटी. एंड देन आई से IIM 4 times R जिसमें हम प्रोसेसिंग का पार्ट इसका चेक करेंगे. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीएसटी जिसको हमने ब्रॉडली 9 चैप्टर्स में बांट दिया. आगे आने वाले हम ये 9 चैप्टर्स डिटेल में पढ़ेंगे और जीएसटी को कंक्लूड करेंगे. यानी जीएसटी में ऑल टुगेदर 9 चैप्टर्स है. सो नॉट टू वरी बहुत ज्यादा हैवी नहीं है बस थोड़ा थोड़ा लेंदी होता जाएगा. बट मैक्रो लेवल पे इस बात को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा सो दैट चैप्टर बाय चैप्टर आगे बढ़ते वक्त आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि हम कब क्या कर रहे हैं. आपको एक फ्लो पता लगता रहे कि हम कहां से कहां जा रहे हैं. ठीक है. तो एक बार फटाफट रिकैप कराइएगा. हमने जीएसटी का कोड क्रिएट कर दिया GSITE VAT I. क्या कोड क्रिएट किया है GSITE VAT I.
जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले जीएसटी की चार्जेबिलिटी के जीएसटी लग रहा है या नहीं। लग रहा है तो उसके लिए हमें 5 टेस्ट अप्लाई करने होंगे जी साइड के। जी से सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी एक्टिविटी गुड्स या सर्विसेज की डेफिनेशन में आ रही है या नहीं। अगर नहीं आ रही तो जीएसटी लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वो उस डेफिनेशन में आ रही है तो हम दूसरे टेस्ट पे जाएंगे जी साइड के। एस मतलब सप्लाई, उसको हम देखेंगे उसकी सप्लाई हुई या नहीं। अगर सप्लाई हुई है तो हम तीसरे टेस्ट पे जाएंगे आय, जिसमें हम देखेंगे कि वो सप्लाई इंटर है या इंट्रा, सो दैट अकॉर्डिंगली हम तय कर सके कि हमें आईजीएसटी देना है या सीजीएसटी एसजीएसटी। ठीक है, आय हो गया। फिर आय सेटिस्फाई होने के बाद हम टी से देखेंगे वो सप्लाई टैक्सेबल पर्सन द्वारा यानी रजिस्टर्ड पर्सन द्वारा हो रही है या नहीं। और अगर वो सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन द्वारा नहीं हो रही तो भूल जाओ जीएसटी के बारे में। अगर उसके द्वारा हो रही है तो हम आखिरी टेस्ट पे जाएंगे, चेक करेंगे कि वो लास्टली किसी एग्जेम्पशन के अंदर कवर तो नहीं है। अगर वो किसी एग्जेम्पशन में कवर है तो सरकार ने उसे माफ कर दिया है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगी। बट वो अगर किसी एग्जेम्पशन में नहीं आ रहा तो फाइनली हम कहेंगे जीएसटी शैल बी चार्जेबल। क्लियर है? फर्दर, जीएसटी अगर चार्ज हो गया तो उसका पे करने का प्रोसेस क्या होगा, इसके लिए हमने अगले 4 सवाल बनाए वैट आय के नाम से। वी से हमने सबसे पहले देखा वैल्यूएशन के जीएसटी हम कितने अमाउंट पे निकाले, कितनी वैल्यू पे निकाले। फिर ए से जो जीएसटी निकल के आया उसको ए से असेसी कौन पे करेगा सरकार को, हमने देखेंगे आगे चल के कुछ केसेस में रिसिपिएंट करेंगे, बाकी केसेस में सप्लायर। फिर जो भी असेसी तय होगा जीएसटी पे करने के लिए वो अपनी किताबों में कब जीएसटी निकाले, कंप्यूट किस दिन करे, उसके लिए हमने टी से टाइम ऑफ सप्लाई बनाया। टाइम ऑफ सप्लाई एक पर्टिकुलर दिन है जिस दिन असेसी अपनी बुक्स में जीएसटी कंप्यूट करेगा। एंड देन फाइनली उसकी पेमेंट के लिए हमने प्रोसेसिंग के लिए हमने 7 सब टॉपिक्स क्रिएट कर दिए आई से IIM 4 टाइम्स आर। आई से हम देखेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट वो कैसे लेगा, दूसरे आई से हम देखेंगे उसकी इनवॉइसिंग बिलिंग कैसे होगी, एम से मैनर ऑफ पेमेंट, आर से रजिस्ट्रेशन, दूसरे आर से रिकॉर्ड्स, तीसरे आर से रिटर्न्स एंड चौथे आर से रिफंड इफ एनी। एंड फिर रिफंड के केसेस में हम देखेंगे कोई हमारा सेटलमेंट कमीशन में केस जा रहा है, अपील रिवीजन में जा रहा है, या कोई एडवांस रूलिंग के अंदर आ रहा है, एंड सो ऑन। मिसलेनियस टॉपिक्स होंगे एंड उसके द्वारा हम जीएसटी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, सो आज के लिए इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफी है, आगे हम बढ़ेंगे फॉर दी फर्दर क्लासेस। टिल देन थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आप चाहें तो इस समरी को एक बार क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।